समय नहीं है, इतने बड़े हो गए क्या, इतनी औकात हो गई क्या उनकी? मतलब हम राइटिंग में पत्र दे रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, इतने बड़े अधिकारी हो गए क्या? बुला भैया, समझना चाहिए कि वो जनता के नौकर है। मेरे जानकारी में क्या सलीम भाई, आखिर कोई प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता है? ये चिट्ठी लिखी उनको कि हम मिलना चाहते हैं, आप यूँ भी सूचना नहीं दोगे कि हम बाहर हैं शहर के? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बिल्कुल तो हमारे संघ के पदाधिकारी ने तो आज आग लगा देता हूँ इंदौर में। बीजेपी का शहर है, मैं देख लेता हूँ, होंगे कभी घर पे घर पे देख लेता। अरे आप सुनो साहब जी, पहली चीज शांति से मतलब नारे लगाना है वो ठीक है, पर कोई तरह की गड़बड़ नहीं। अपन बाहर जा रहे हैं तो इधर उधर भगदड़ नहीं करना अपने को। माननीय अपने साथ मराठी महासचिव जी हैं, कलेक्टर यहाँ नहीं, कमिश्नर यहाँ नहीं, एसएसपी यहाँ नहीं, नगर निगम कमिश्नर यहाँ नहीं, क्या समझ रखा है इन्होंने? चार अधिकारी, ये कोई तरीका होता है क्या? एक भी नहीं हो, ऐसा थोड़ी होता है। कमलनाथ की नौकरी कर रहे हो कि जनता की नौकरी कर रहे हो? उनको ही घर जाके घेर देते हैं ना। भारत माता की जय, भारतीय जनता। ये समझ रहे हो कि साले चावल, इसको एक एक चिट्ठी का जवाब देने की फुर्सत नहीं तुम्हारे प्रशासन को? मैं तो हाजिर हूं सर, मुझे देना चाहे आप दे दें। मैं आपको क्या ज्ञापन देना नहीं, हमको चर्चा करना है शहर के बारे में। बहुत सारे सब्जेक्ट है, एक बात तीनों शहर में 50 समस्या, इतनी कागज क्यों लिखे ये बताओ? बेट के बात होती वो उनकी जानकारी शेयर करते, हम हमारी जानकारी शेयर करते, तो कोई उसका रास्ता निकलता अपनी बात की? सरकार भी चलाई है यार,